नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर, पिछले 2 साल से कोरोना का संकट छाया हुआ था, अब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। रमज़ान महीने का एक आखिरी हफ्ता चल रहा है और आज आखिरी जुमा भी था। इसी को देखते हुए मीरा रोड के सीनियर कांग्रेसी लीडर मुजफ्फर हुसैन ने आज एक दावत इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया, जो पिछले 2 साल से बंद था। और आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इसमें न केवल सरकारी अधिकारी, मनपा प्रशासन के अधिकारी, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, बल्कि स्थानीय निवासी और समाज सेवी संस्थाओं के लोग भी इसमें शामिल हुए थे। किस मकसद से इफ्तारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इसकी जानकारी देते हुए आयोजक सैयद मुजफ्फर हुसैन ने मीडिया कर्मियों से बताया कि मैं सभी लोगों को इस रमज़ान के महीने की मुबारकबाद पेश करता हूं, साथ ही मैं आने वाले ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। महाराष्ट्र सरकार का मीरा भाईंदर, पुलिस आयुक्त श्री सदानंद दाते, म्युनिसिपल कमिश्नर श्री ढोले, पुलिस महकमे के सभी अधिकारी, दोनों DCP, दोनों ACP, सभी PI, ऑल पुलिस स्टेशंस के और म्युनिसिपैलिटी के सभी पूरे प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मीरा भाईंदर वासियों की तरफ से, कि जो माहौल देश में शुरू किया गया था किसी की तरफ से, एक कन्फ्यूज़न भरा माहौल था, मगर पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने बहुत ही संजीदगी की भूमिका लेते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं, उसको नियम सभी कम्युनिटी के सभी लोगों के लिए, हर नागरिक के लिए लागू है। हाँ, बाकायदा उसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं डेसिबल पॉइंट्स के, उसका तंतोतंत पालन हर एक ने करना चाहिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए सभी लोगों से कहूँगा कि उसका पालन वो करें। सभी मस्जिद की ट्रस्टियों से भी कहूँगा कि अपनी इबादत से, अपनी नमाज से, अपनी प्रार्थना से किसी को तकलीफ़ पहुँचती है तो वो इबादत कबूल नहीं होती। जामे मस्जिद अल शम्स में जुमे की 2 जमातें कर दी गई है और ईद की भी 3 जमातें की गई है। एक सवेरे 7:45 बजे हैं, एक 7:45 बजे हैं और एक 9:45 बजे हैं। आप लोगों के ज़रिए लोगों से कहना चाहूँगा कि मस्जिद के बाहर दुकानों के सामने, गटर पे और रास्तों पे नमाज ना पढ़े। एक जमात से दूसरी जमात के लिए 1 घंटे का वक्फा है, टाइम है। लोगों को अंदर से बाहर इत्मीनान से निकलने दें और इत्मीनान से आप लोग अंदर जाके इत्मीनान से नमाज पढ़ें। ये पिछले तकरीबन 40 सालों से हमारे वालिद, हमारे फादर की तरफ से ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें हर समाज के, हर तबके के, हर वर्ग के, हर भाषा के, हर प्रांत के और सभी प्रशासन के अधिकारियों को बुला करके ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, करते आया है। और इसके पीछे का मुख्य कारण है कि सरकार, प्रशासन और जनता के बीच का एक संभाषण बना रहे, एक कम्युनिकेशन बना रहे, कोई कम्युनिकेशन गैप जैसा माहौल ना बने, कोई कन्फ्यूजन जैसा माहौल ना बने, कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो शहर में, ये इसके पीछे का एक उद्देश्य होता है। रमज़ान का महीना एक मुबारक महीना होता है, जहाँ पे हर आदमी एक दूसरे की गलती, शिकायतों की एक दूसरे से माफ़ी मांगता है और एक दूसरे की सलामती की दुआ मांगता है। ईद के लिए एक ही संदेश दूंगा, ये मुल्क आपका, हमारा, सबका है। इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, घटना है और वो घटना इस मुल्क के हर नागरिक के लिए है। इस मुल्क के हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि उस घटना का, इस देश के हर कानून का, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम कोर्टों ने जो भी निर्णय दिया है, उसका तंतोतन पालन अगर हम, आप और हम सब मिलकर के करेंगे, तो इस देश में कभी भी भाईचारगी को लेकर के कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मैं समझता हूँ कैबिनेट डिसीजन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पर चर्चा करी है और होम मिनिस्टर साहब ने भी जो है इस पर बहुत ही खुलासे से अपने विचार, कैबिनेट का डिसीजन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत और हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत अपनी बातों को सरकार ने रखा। यहाँ पर हम आए और सबसे पहले हमने मुजफ्फर हुसैन जी का, जो पूरे भारत के लोगों को संदेश गया, वो सबसे प्यारा मैसेज था लोगों के, एक इंसानियत के प्रति उन्होंने यह संदेश दिया कि आज भी मानवता जिंदा है। हमारे यहाँ पर हिंदू भाई, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ था और सभी लोग आकर लोगों ने प्यारे से इफ्तारी आयोजन का लाभ उठाया। बहुत अच्छा महसूस किया कि आज भी मानवता बरकरार है और आज भी हमारे देश में प्यारी से खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी। आज मैं यहाँ इफ्तारी पार्टी में आया था, हमारे लोक नेता मीरा भाईंदर के
जाने माने मुजफ्फर भाईजान ने जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए एक समाज को एक माला में फिरोने का जो काम आज उन्होंने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी इफ्तारी पार्टी पूरे देश में हर जगह पे होनी चाहिए और इसी जिस यहाँ पे जैसे मिलजुल करके हर लोगों ने इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया, उसी तरह से आने वाली 3 तारीख को ईद है। मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल करके गले मिल करके और ईद को और परशुराम जयंती को भी सेलिब्रेट करें। इसके अलावा हमारे देश के चंद नेताओं ने ये जो नफरत की राजनीति फैलाए हैं उसके लिए भाईचारा का हिसाब की तब भाईचारा के हिसाब से इसे ऐसा प्रोग्राम होने से बहुत सारी जो हमारे भाईचारा है भाईचारे का जो संदेश है बहुत सारे दुनिया में जाएगा, लोगों में एक अच्छा मैसेज जाने जाएगा ये पार्टी को देखते हुए। दूसरा हमारा एक छोटा सा आपके मीडिया के माध्यम से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कहीं पे मस्जिद से लाउडस्पीकर उतार दो, कहीं मंदिर से लाउडस्पीकर उतार दो, कहीं गुरुद्वारे से लाउडस्पीकर उतार दो। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन खाली इन नेताओं से राजनेताओं से है कि क्या आपका प्रोग्राम होगा तो उसमें बगैर लाउडस्पीकर का आप अपना प्रोग्राम करेंगे क्या? ये हम अपने छोटे से शब्द कह करके आपके मीडिया के थ्रू से उन तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। देखिए, अक्षय तृतीया भी एक शुभ दिन होता है और ईद उल फितर भी एक शुभ दिन होता है और आज तक के मैं नहीं समझता इस मुल्क के अंदर कभी ईद के दिन या अक्षय तृतीया के दिन या गणपति के दिन या दिवाली के दिन या क्रिसमस के दिन कभी कोई कम्युनल डिस्टरबेंस इस मुल्क में हुआ है। यही तो इस मुल्क की शान है। ये थे सीनियर कांग्रेसी लीडर मुजफ्फर हुसैन जो बता रहे थे कि ये हिंदुस्तान की तारीख है कि यहाँ पर कभी भी किसी भी धर्म के त्यौहार वाले दिन कोई जाति पाति का दंगा या फसाद नहीं हुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो कट्टरपंथी संगठन हैं चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़े हो वो ज़रूर ऐसी कोई हरकतें करते हैं कि त्यौहारों के समय में जाति जाति में बंटवारा हो, उनके बीच में तनाव पैदा हो, ऐसी हरकतें और ऐसी कोशिशें वो ज़रूर करते रहते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।